प्रभु राम की तपोभूमि का मान मिला इस नगरी को नासिक ही वो नगरी है जहां गोदा कहते गंगा को गोदा कहते गंगा को गोदावरी मैया के तट पर स्थापित श्री क्षेत्र नासिक शहर भारतवर्ष के प्राचीन काल से धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम के पावन चरण स्पर्श से पुनित इस क्षेत्र को भगवान श्री त्रंबकेश्वर जी की भूमि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा मां भगवती का अर्ध शक्तिपीठ माना जाने वाला सप्तश्रृंगी गढ़ भी इसी नासिक जिले की भक्तजनों को देन है। ऐसे इस पवित्र नगरी को साष्टांग नमन करके आज हम इस विसिडी द्वारा इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का दर्शन लाभ उठाते हैं। तपोभूमि का मान मिला इस नगरी को नासिक ही वो नगरी है जहाँ गोदा कहते गंगा को गोदा कहते गंगा को हर हर गंगे जय हो गोदा मैया हर हर गंगे जय हो गोदा मैया काला राम मंदिर। नासिक नगरी में पंचवटी नाम से प्रसिद्ध ये स्थल अत्यंत पवित्र है, जहां नासिक के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में काला राम मंदिर के दर्शन मात्र से यात्रियों को दुगुना आनंद प्राप्त होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में कुछ वर्ष यहां निवास किया। जिस जगह उनकी पर्णकुटी हुआ करती थी उसी जगह इस मंदिर का निर्माण किया गया है। सन 1778 से 1790 के पर्वकाल में श्रीमंत गोपिकाबाई पेशवा के मराठा सरदार श्री ओढ़ेकर जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। प्रवेश द्वार के भीतर जाते ही हमें एक सभा मंडप में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। श्रद्धालु इस मूर्ति के दर्शन लेकर ही प्रमुख मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और मंदिर में प्रवेश करते ही हमें कृष्ण वर्ण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं तथा माता सीता देवी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन होते हैं। सत्ययुग में इस क्षेत्र को दंडकारण्य नाम से जाना जाता था। यहाँ कई राक्षसों ने अपनी शक्ति से इस स्थल पर तप करने वाले ऋषि मुनियों को भयभीत कर रखा था। जब प्रभु श्री रामचंद्र अपने वनवास के समय यहां आए तब उन्होंने ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार करके अपना काला रूप धारण किया और यहां की जीव सृष्टि को उन राक्षसों से मुक्ति दिलाई। इसी कारण यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र को काला राम नाम से जाना जाता है। जगह वो जहाँ राम की कुटिया हुआ करती थी राम लखन और सीता देवी की परम छवि यहाँ बसती थी। काले रूप में प्रभु राम ने असुरों को यह दंड दिया सत्ययुग में इसी क्षेत्र को दंडकारण्य से जाना गया।
इसीलिए प्रभु रामचंद्र को काला राम कहते हैं यहाँ। जिसके तट पर ये तीर्थ है वही है गोदा मैया, वही है गोदा मैया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। सीता गुफा अनादिकाल से अपनी छाया से यहाँ आने वाले हर यात्रियों को आनंद देने वाले ये संसार रूपी पांच बरगद के पेड़ आज भी इस भूमि के पवित्रता की साक्ष्य देते खड़े हैं। बरगद को मराठी में वटवृक्ष कहा जाता है, इसी कारण इस क्षेत्र को पंचवटी के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष की छाया में हमें दर्शन होते हैं सीता गुफा के। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया के लिए बनवाई इस गुफा के पहले पड़ाव को पार करते ही यहां हमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मनोहारी मूर्ति के दर्शन होते हैं तथा दूसरे पड़ाव में सीता मैया का पूजा स्थल है जहां एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि सीता मैया इसी शिवलिंग की पूजा करती थी। गुफा के तीसरे पड़ाव में श्रृंगार गृह है जहां पर सीता जी अपना श्रृंगार करती थी। यही वो जगह है जहां से रावण ने कपट करके सीता मैया का अपहरण किया था। नासिक की इस पुण्य भूमि को पंचवटी कहा करते हैं। सदियों से यह पांच वृक्ष जो छाया सबको देते हैं। इसी वृक्ष की छाया में माँ सीता देवी की है गुफा। यही स्थल है जहाँ रावण द्वारा सीता माँ का हरण हुआ। छल के कारण यही से बिछड़ी रामचंद्र से उनकी प्रिया। सच देखो तो यही से वाल्मीकि रामायण ने मोड़ लिया, रामायण ने मोड़ लिया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। कपालेश्वर मंदिर पंचवटी में राम कुंड के रास्ते पर एक शिव का मंदिर है जिसे कपालेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ ने नंदी को अपना गुरु माना है, इसी कारण यहां पर हमें शिवलिंग के सामने नंदी नहीं दिखाई देता। एक समय जब ब्रह्मा जी और शिव जी में कुछ वार्तालाप चल रहा था तभी ब्रह्मदेव के मुख से कुछ अशुभ शब्द निकले। उस पर शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया, किंतु इस कारण ब्रह्म हत्या का पाप शिव जी को लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ने हर उपाय किए किंतु उन्हें उससे मुक्ति नहीं मिली। तब एक छोटे नंदी ने उन्हें गोदावरी के इस राम कुंड में स्नान करने का उपाय सुझाया। शिव जी ने इस राम कुंड पर स्नान किया और उनकी सारे पापों से मुक्ति हो गई। इसी कारण इस स्थान पर नंदी को भोलेनाथ ने अपने एक गुरु का दर्जा दिया। ऐसा ये पवित्र पावन कपालेश्वर शिव मंदिर नारो शंकर मंदिर घाट पर स्थापित ये प्राचीन शिव मंदिर शिल्प कला का एक अनोखा संगम हमें यहां देखने को मिलता है।
इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है। चिमाजी आप्पा ने जब अंग्रेजों पर विजय पाई तब उस विजय का प्रतीक माना जाने वाला ये घंटा आज भी इस जगह हम देख सकते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर। सन 1662 में निर्माण हुए इस मंदिर को नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यूं तो पंचवटी ही प्रभु श्री रामचंद्र की कर्म भूमि कहलाती है, किंतु श्री राम जी शिवजी के भक्त थे, इसी कारण हमें यहाँ पर शिवजी के मंदिरों का दर्शन होता है। जैसी भूमि ये प्रभु राम की वैसे शिव मल्हारी की, इसीलिए यहाँ स्थापना हुई पग पग पर शिव मंदिर की। नारो शंकर कपालेश्वर नीलकंठेश्वर एक यहाँ, नंदी को जहाँ गुरु मानते ऐसे भी महादेव यहाँ। जिसके पावन पवित्र जल से पाप मुक्त हुए शंभु शिवा, गोदा की वो निर्मल धारा नासिक से बहती भैया, नासिक से बहती भैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। गंगा गोदावरी मंदिर पंचवटी घाट के अति प्राचीन मंदिरों में से एक और मंदिर यानी गंगा गोदावरी मंदिर, जो इस जगह का महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। सिंहस्थ गोदावरी मंदिर का वैशिष्ट है कि ये मंदिर 12 साल में एक ही बार दर्शन के लिए खुला रहता है, जब यहां सिंहस्थ कुंभ मेला का पर्व मनाया जाता है। गोरा राम मंदिर। पंचवटी घाट पर स्थित ये 300 वर्ष पुराना मंदिर, जहां पर हमें प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी की संगमरमर के पत्थरों से तराशी गई सुंदर मूर्तियों का दर्शन होता है। दो मुखी हनुमान जी। राम कुंड के तट पर ही हमें हनुमान जी की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। कहते हैं कि इसी जगह हनुमान जी ने जम्बूताली नामक एक दानव का वध किया था, इसी कारण यहां पर एक ही जगह हनुमान जी के दो प्रतिमाओं का दर्शन होता है। एक तरफ शांत सुंदर मूर्ति तो दूसरी ओर रुद्र रूप धारण किए हुए हनुमान जी जम्बूताली राक्षस का वध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राम भक्त हनुमान जी ने यह जम्बूताली का वध किया, रुद्र रूप में ही मारुति ने गोदा तट पर स्नान किया। एक ओर से शांत चित्त तो एक ओर से महाबली, इसीलिए यह दो मुख नाम से जाने गए बजरंग बली। इस नगरी की शान कहो या पवन पुत्र की माया, भव्य रूप में स्थापित बजरंग उनकी सब पर छाया, उनकी सब पर छाया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। एक मुखी दत्त। 350 वर्ष पुराना ये मंदिर, जो दत्त गुरु का जागृत स्थान कहलाता है। इस जगह हमें भगवान दत्तात्रेय जी के एक मुखी स्वरूप मूर्ति का दर्शन होता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र के गाणगापुर में एक मुखी श्री दत्त प्रभु की प्रतिमा है,
उसी प्रकार हमें यहाँ भी एक मुखी श्री दत्त प्रभु की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। इसी कारण इस स्थल को यहाँ अधिक महत्व प्राप्त है। सुंदर नारायण मंदिर। पंचवटी स्थित इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। वृंदा देवी से कपट करके श्री हरि विष्णु ने उसके पति का रूप लेकर उसका व्रत भंग किया। तब वृंदा जी ने भगवान विष्णु को कुरूप होने का शाप दिया। अपना पूर्व रूप पाने के लिए श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप नासिक में स्थित गोदावरी के राम कुंड में स्नान करो, जिससे आप अपना पूर्व रूप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार राम कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु ने अपना खोया हुआ सुंदर रूप फिर से प्राप्त किया। इसी कारण यहां पर श्री हरि विष्णु को सुंदर नारायण नाम से जाना जाता है। जालंधर नाम का एक असुर था, जिसके उपद्रव से सारी सृष्टि पीड़ित थी। तब भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान विष्णु नारायण जी के कहने पर उस राक्षस का वध किया और वृंदा जी नारायण जी को उससे मुक्ति दिलाई और अनादिकाल के पश्चात यहां शिव और विष्णु का मिलाप हुआ। इसलिए इस स्थान को हरिहर मिलाप के स्थान से भी पहचाना जाता है। यहां हमें सुंदर नारायण के अलावा देवी वृंदा जी और देवी लक्ष्मी जी के भी दर्शन होते हैं। अत्यंत कल्पकता से बनाए गए इस मंदिर की एक और विशेषता है कि हर वर्ष मार्च महीने की 20 और 21 तारीख को सूरज की पहली किरणें भगवान सुंदर नारायण जी के चरण स्पर्श करती है। मनोहारी श्यामल वर्ण सुंदर नारायण बसे यहाँ, संग वृंदा और महालक्ष्मी के बड़े ही सुंदर छवि यहाँ। खोया हुआ सुंदर रूप अपना नारायण ने फिर पाया, इसी स्थल हुआ हर हर मेलन युगों युगों के बाद यहाँ। इस मंदिर सी रचना और कहीं ना होगी दुनिया में, सूर्य की पहली किरणें पड़ती नारायण के चरणों में, नारायण के चरणों में। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। राम कुंड। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी मैया के इस पवित्र जल में अपने पिता राजा श्री दशरथ जी का पिंडदान किया था, तथा यहीं उनका श्राद्ध विधि करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। तब से इस जगह पर पिंडदान तथा श्राद्ध जैसी पवित्र विधि का रिवाज है। लोग अपने पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु इसी गोदा मैया के तट पर आते हैं। काशी, प्रयाग और चारधाम जैसे पवित्र जगह जाकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वहीं सारा पुण्य इस एक ही जगह मात्र पर आकर प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं सूर्य नारायण जी ने इस जगह के बारे में कहा है। 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले कुंभ मेला के चार स्थानों में से नासिक एक स्थान है। राम कुंड के अलावा हमें यहाँ लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, खंडोबा कुंड, नारोशंकर कुंड, इस तरह 10 कुंड दिखाई पड़ते हैं। कुंभ मेले के पवित्र अवसर पर हजारों लाखों भक्तजन यहाँ आकर गोदावरी मैया के पावन जल में स्नान करके अपने सारे पापों से मुक्ति पाते हैं।
पवित्र स्थल ये राम कुंड जिसे राम तीर्थ कहा जाता है, यही वो स्थल है जहाँ पे हर प्राणी को मोक्ष मिल जाता है। प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ के किए यह क्रियाकर्म, सब तीर्थों का एक ही संगम कहे गए यह रघुनंदन। हर प्राणी ने जीवन का मुक्ति मार्ग यही पाया, माँ गोदा ने अपने जल से सबको मोक्ष दिलाया, सबको मोक्ष दिलाया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। कुंभ मेला। हिंदू पुराणों के अनुसार कुंभ मेले के बारे में एक कथा कही गई है। देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ अमृत कलश इंद्र का पुत्र जयंत आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था। उस दौरान जयंत का कुछ दानवों से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अमृत कलश में से अमृत के कुछ बूंद धरती पर जा गिरे। अमृत के बूंद धरती पर जिन चार जगहों में गिरे वो जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर। इसी कारण इन चार जगहों को पृथ्वी पर पवित्र माना जाता है और यही वो जगह है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। युगों युगों से मनुष्यों के पाप धोकर मलिन हुए सभी तीर्थ एक बार शिवजी के पास आए और उन्होंने उस मलिनता से मुक्त होने का भोलेनाथ जी से उपाय पूछा। तब भोलेनाथ ने कहा कि बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उस समय आप सभी तीर्थ त्र्यंबकेश्वर में जाओ और गोदावरी के पवित्र जल में एक रूप होकर एक वर्ष तक वहां निवास करो। तत्पश्चात कुंभ पर्व के दौरान सभी देवगण साधु महंतों के रूप में गोदावरी का स्नान करेंगे जिससे आप सब पुनः पवित्र हो जाएंगे। युगों युगों से चलते आ रहे इस कुंभ पर्व में साधु महंतों के रूप में आज भी सभी देवतागण उपस्थित रहते हैं। चार तीर्थ जहाँ कुंभ मेले का पर्व मनाया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक उसमें आता है। देश के हर कोने कोने से साधु संत यहाँ आते हैं, कहते हैं कि उनके रूप में देवता ही यहाँ बसते हैं। हर 12 वर्ष के बाद यहाँ कुंभ मेले का मान दिया, देवताओं ने इस नगरी को स्वर्ग की तरह पूज किया, स्वर्ग की तरह पूज किया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। तपोवन। हजारों वर्षों तक कई ऋषि मुनियों ने इस जगह तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी, इसी कारण इस क्षेत्र को तपोवन कहा जाता है। सत्ययुग में इस क्षेत्र को दंडकारण्य नाम से जाना जाता था। पंचवटी से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर यह तपोवन है जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है, कपिल मुनि का आश्रम तथा भगवान शेष रूप लक्ष्मण जी का मंदिर है। इस क्षेत्र पर ब्रह्म तीर्थ, विष्णु तीर्थ, रुद्र तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, कपिल तीर्थ और कपिल संगम जैसे अष्ट तीर्थों के दर्शन होते हैं।
इनमें से अग्नि तीर्थ की विशेषता ये है कि सीता हरण के पूर्व प्रभु श्री राम जी ने सीता मैया का मूल रूप इसी अग्नि कुंड में छिपा रखा था। सच देखा जाए तो रावण ने सीता मैया के मायावी रूप का ही हरण किया था। श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक भी इसी जगह काटा था। इसी कारण इस क्षेत्र को नासिक कहा जाता है। इस जगह प्रभु रामचंद्र जी का अति प्राचीन मंदिर है, जहां पर प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया के दर्शन कर सकते हैं। जिस जगह पर शेष अवतार लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, आज उसी जगह पर लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तथा कपिल मुनि के चरण स्पर्श से पावन हुई इस पवित्र भूमि पर आकर श्रद्धालुगण धन्य हो जाते हैं। अष्ट तीर्थ के इस संगम को कहते हैं जी यहाँ तपोवन। शूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा यही हुआ नासिका छेदन। घोर तपस्वी कपिल मुनि का यही पितो था सिद्धाश्रम। राम लखन और सीता देवी के चरण स्पर्श से यसल पावन। माँ सीता का मूल रूप यहाँ अग्नि कुंड में समाया। शिव शंकर के प्रभु राम ने यही पे की थी तपस्या, यही पे की थी तपस्या। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। सोमेश्वर महादेव मंदिर नासिक से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर गंगापुर रोड पर स्थित ये मंदिर अनादिकाल से स्थापित प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण तथा राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी है। मंदिर की दाई ओर राम भक्त प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर है। मुक्तिधाम नासिक रोड रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर मुक्तिधाम मंदिर है। इस पूरे मंदिर की रचना संगमरमर की पत्थरों से की गई है। सारड़ा उद्योग ग्रुप ने सन 1988 में इस मंदिर का निर्माण किया। यहां पर आकर हमें पूरे चारों धाम की यात्रा का आनंद मिलता है। सभी देवी देवताओं का एक साथ दर्शन करने से यहां आने वाले हर यात्री को मनशांति प्राप्त होती है और यही इस मंदिर का मूल उद्देश्य है। भक्ति धाम जो भगवान पशुपतिनाथ जी का प्रमुख मंदिर है, वेदों के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाने वाला यह मंदिर सनातन धर्मों के लोगों का श्रद्धा स्थान है। नासिक में आने वाला हर यात्री, हर श्रद्धालु भक्तिधाम मंदिर में एक बार दर्शन के लिए आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और यहां पर चलने वाले वेद पठन में हर श्रद्धालु लीन हो जाता है। धाम की यात्रा जहाँ पर एक साथ हो सकती है। नासिक का ये पवित्र मंदिर मुक्ति धाम जिसे कहते हैं। यहाँ पे आकर मन शांति की प्राप्ति न हो तो फिर कहना,
उसी तरह इस भक्ति धाम में अविरत चलती उपासना। प्रभु पशुपतिनाथ महाप्रभु का मंदिर ये भक्ति धाम, यहाँ पे हर जाति के भक्त का एक सा ही होता सम्मान, एक सा ही होता सम्मान। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। पांडव गुफा। जिस प्रकार नासिक नगरी धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार पर्यटन के लिए भी जानी जाती है। प्राचीन शिल्प कला के अलग अलग नमूने हमें यहाँ दिखाई देते हैं, उनमें से ही एक है पांडव गुफा। कहा जाता है कि बुद्ध धर्म के प्राचीन काल की संपन्नता के कई अवशेष आज भी पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उनमें से ही ये एक है जिसे पांडु लेनी तथा बुद्ध लेनी भी कहा जाता है। एक से लेकर 24 संख्या में श्रेणीबद्ध इस गुफा में मूर्ति कला का नायाब नमूना दिखाई देता है। श्री त्रंबकेश्वर नासिक से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत की गोद में भगवान श्री त्रंबकेश्वर जी 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जो अपने भक्तों की इच्छा और मनोकामनाओं को सदा पूर्ण करते हैं। भगवान त्रंबकेश्वर जी का ये प्राचीन मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। बहुत वर्ष पहले त्रंबक नगरी में गौतम नामक महर्षि रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या एक पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी और वो दोनों भगवान श्री शिव जी के परम भक्त थे। उन दिनों यहां पर कई वर्ष तक अकाल पड़ा था, तभी गौतम ऋषि ने भगवान इंद्र की तपस्या कर उनसे जलकुंड प्राप्त किया। उसके जल से उन्होंने यहां की भूमि फिर से हरी भरी कर दी और कई ऋषि मुनियों को अपने आश्रम में सहारा दिया। इससे गौतम ऋषि का पुण्य 10 गुना बढ़ गया, जिस कारण भगवान श्री इंद्र भयभीत हो उठे। इंद्र ने श्री गणेश जी की प्रार्थना की और कहा कि आप गौतम ऋषि का पुण्य खंडित करें। श्री गणेश जी ने इंद्र की बात मानी। उन्होंने जया नामक एक देवी को दुर्बल गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में जाने की आज्ञा दी। वो दुर्बल गाय श्री गणेश जी के आज्ञा अनुसार गौतम ऋषि के खेत में आ पहुंची और उसने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उस गाय को खेत से बाहर निकालने के लिए गौतम ऋषि जी ने एक दर्भ से उसे हकालने की कोशिश की। तभी उस दर्भ के स्पर्श से ही वो गाय जमीन पर गिर पड़ी और मृत हो गई। इस कारण श्री गौतम ऋषि जी के सर पर गोहत्या का महाभयंकर पाप लग गया। तब श्री गणेश जी ने ही उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय सुझाया। श्री गणेश जी के कहने के अनुसार गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान श्री शिव की आराधना की। भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तब गौतम ऋषि ने शिव जी को गंगा को धरती पर लाने की विनती की। गौतम ऋषि का मान रखते हुए भगवान श्री शिव जी ने इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी जटाओं को पटक कर गंगा धरती पर ले आए और उसी गंगा मैया के पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात गौतम ऋषि अपने गोहत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसी गंगा मैया को यहां गोदावरी नाम से जाना जाता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गौतम ऋषि के कारण गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ, इसीलिए गंगा को
गौतमी नाम से भी जाना जाता है। इसी जगह भगवान त्रंबकेश्वर गौतम ऋषि पर प्रसन्न हुए थे, इसी कारण इस क्षेत्र को त्रंबक गौतमी तट के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। काले पत्थरों से बनाए गए इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में हम श्री त्रंबकेश्वर जी के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये शिवलिंग अन्य शिवलिंग जैसा ना होकर उसके बीचों बीच एक कलसा पानी रह सके ऐसी जगह बनी हुई है, जिनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की अंगुष्ठा मात्र लिंग कृति मूर्तियां भी है। इसके ऊपर एक झरना है जहां से मां गोदावरी का पवित्र जल भगवान श्री त्रंबकेश्वर जी के शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। मानो मां गोदावरी इस शिवलिंग पर अपने पवित्र जल से अभिषेक कर रही हो। पूरे विश्व में इस प्रकार का ये एक ही शिवलिंग है जहां श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही साथ एक ही शिवलिंग में विराजे हैं। ब्रह्मगिरी के गोद में बसे स्वयं शंभु हर त्रंबक राज, महर्ष गौतम के करने का इस नगरी को बड़ा ही नाज। उनके तप पर प्रसन्न होकर शिव जी ने पट की अपनी जटा, यही वो पुण्य भूमि है जहाँ घट गंगा माँ की उगम कथा। गो हत्या के घोर पाप से मुक्त हुए यहाँ गौतम जी, ऐसा पावन तीर्थ ये जिसके नायक है त्र्यंबक जी, जिसके नायक त्र्यंबक जी। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर गंगे जय हो गोदा मैया। तीर्थराज कुशावर गंगा गोदावरी जब शिवजी की जटा से प्रकट हुई तब वो ब्रह्मगिरी से चारों ओर बहने लगी। तभी गौतम ऋषि ने एक दर्भ पर मंत्र उच्चारण किया और गंगा को इस जगह बंदिस्त किया। संस्कृत में दर्भ को कुशावर्त कहा जाता है, इसी कारण इस पवित्र स्थल को कुशावर्त के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले कुंभ मेला के दौरान पूरे देश से यहाँ हजारों साधु संत महंत आकर एक साल तक निवास करते हैं और इस जल कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि उनके रूप में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव भी उस समय यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसी कुशावर्त के तट पर कई लोग अपने पूर्वजों के शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध विधि इस तरह के विधि भी करते हैं। नारायण नागबली और कालसर्प शांति जैसे पवित्र कार्य इस तीर्थ पर करने से वो अधिक फलदायी साबित होते हैं। गंगा गोदावरी मंदिर कुशावर्त तीर्थ के दाई ओर गंगा गोदावरी का मंदिर है। शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण वृंदों ने निर्माण किए इस मंदिर में 12 दिन का माघी उत्सव मनाया जाता है। तीर्थ राज इस कुशावर्त का तीनों लोक में है चर्चा, गौतम ऋषि ने दर्भ को लेकर अभिमंत्रों से इसे रचा। इस कुंड में कोटि कोटि जन के संग देव भी स्नान करें, हर पापों से मुक्ति पाकर हर कामना को पूर्ण करें। पिंड दान और श्राद्ध के लिए इसी तीर्थ को मान दिया, ऐसे पावन कुशावर्त को तीनों देवों ने नमन किया।
तीनों देवों ने नमन किया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। ब्रह्मगिरी पर्वत जिसकी गोद में त्रंबकेश्वर जैसा पुण्य तीर्थ है, वही शिव स्वरूप ब्रह्मगिरी पर्वत त्रंबक गांव से 1800 फीट ऊंचा है। इस ब्रह्मगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा से अलौकिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा द्वार। ब्रह्मगिरी की ऊंचाई चढ़ते समय हमें गंगा द्वार के दर्शन होते हैं। इसी जगह गौतम ऋषि जी ने तथा गहनीनाथ जी ने जहां तपस्या की थी वो गुफाएं भी देखने को मिलती है। इनमें से एक गुफा में श्री गौतम ऋषि जी ने स्थापित किए हुए 108 शिवलिंगों का भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसी गुफा में गहनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। शंकर जी की जटा। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई चढ़ने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ जी ने जिस जगह अपनी जटा को पटक कर गंगा जी का अवतरण किया था उस जगह के दर्शन होते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वराह कुंड। हिरण्याक्ष असुर की पीड़ा से पूरे त्रिलोक को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने उसी रूप में इस गंगा द्वार पर स्नान किया। इसी कारण इस स्थल को वराह कुंड के नाम से जाना जाता है। औदुम्बर से गंगा का उगम। जिस समय गौतम ऋषि गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे उसी समय गंगा जी अचानक अदृश्य हो गई और इस औदुम्बर वृक्ष में छिप गए। गौतम ऋषि जी ने गंगा जी की प्रार्थना की, तब गंगा मैया प्रसन्न होकर इस औदुम्बर वृक्ष से बहने लगी। तभी से इस स्थान को गंगा जी का उगम स्थान कहा जाता है। विशाल चोटी गगन को छूती ब्रह्मगिरी का ये पर्वत, शिव स्वरूप जिसे कहा जाए, जिसके कण कण में बसे त्र्यंबक। यही क्षेत्र जहाँ गौतम जी ने शिव की घोर तपस्या की, ब्रह्मगिरी का यही शिखर जहाँ शिव जी ने अपनी जटा पटकी। इस पर्वत की चोटी से ही उगम हुआ माँ गंगा का, गौतम के कारण गौतम यहाँ नाम पड़ा माँ गंगा का, नाम पड़ा माँ गंगा का, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। कोलंबिका देवी। कहा जाता है कि कौलासुर नाम का एक राक्षस गंगा के जल को अपने मुख में समा रहा। तभी गौतम ऋषि जी ने आदि माया माता पार्वती का आवाहन किया। माता पार्वती आदि माया के रूप में यहां प्रकट हुई और उन्होंने कौलासुर का वध किया। परंतु कौलासुर शिव भक्त था, इसी कारण अंतिम समय उसके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण हुआ, जिसे सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कौलासुर को वरदान दिया कि आज के बाद यहां मेरे इस दिव्य स्वरूप को कौलंबिका नाम से जाना जाएगा। तब से मां भगवती को यहां कौलंबिका नाम से पूजा जाता है।
बावलासुर ने जब गंगा के पवित्र जल को मुख में लिया, गौतम ऋषि ने भयभीत होकर माँ पार्वती का स्मरण किया। रुद्र रूप धारण कर माँ ने कौलासुर का वध तो किया, परंतु उसकी शिव भक्ति पर प्रसन्न होकर वर भी दिया। उसके नाम को धारण कर यही परमा तब से विराज है, कौलम्बिका के भगवती रूप का चारों ओर ये चर्चा है, चारों ओर ये चर्चा है। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। संत निवृत्तिनाथ समाधि मंदिर, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज के ज्येष्ठ बंधु निवृत्तिनाथ जी ने इसी त्र्यंबकेश्वर को अपना कार्यस्थल चुना था। भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के इस पावन भूमि में कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और अंत में गंगा सागर तालाब के उत्तर की ओर प्रमादिमान संवत्सर ज्येष्ठ वद्य 12 शके 1219 में इसी भूमि पर जीवित समाधि ली और अपना कार्यकाल पूर्ण किया। महाराष्ट्र के हजारों वारकरी भक्तों का ये मंदिर श्रद्धा स्थान है। नील पर्वत त्र्यंबक नगरी के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ यानी नील पर्वत, जो त्र्यंबक नगरी की उत्तर दिशा में आता है, जिस पर्वत पर नीलांबिका देवी के स्वयंभू रूप का हमें दर्शन होता है। इसी पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर तथा मर्तवा माता मंदिर के हम दर्शन कर सकते हैं। नील पर्वत पर प्रसिद्ध नाग दिगंबर साधुओं का वसती स्थान है, जिसे दशनाम पंचायत के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक रेत से बना विशाल शिवलिंग है। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जी का भव्य देवालय देखने का आनंद कुछ और ही है। यही हमारी त्र्यंबकेश्वर यात्रा पूर्ण होती है। ऊंचे पर्वत पर बैठी माँ तेरे दर्श को आए हैं, वणि गण की माँ सप्त श्रृंग को चोला हरा चढ़ाए रे, चोला हरा चढ़ाए रे। सप्त श्रृंगी देवी आदिमाया आदिशक्ति माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी जगदम्बा का ये निवास था, जिसे महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में से अर्ध शक्ति पीठ का मान दिया गया है। माँ भगवती सप्तश्रृंगी की महिमा अलौकिक है। नासिक शहर से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर ये तीर्थ क्षेत्र बसा है। देवी भक्तों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराण काल में इस क्षेत्र को दंडकारण्य नाम से जाना जाता था। माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी सप्त श्रृंगी यह बस्ती है,
अपने भक्तों के हर सुख दुख में वो साथ ही रहती है। इस मैया के दुलारे हम उसके ही आंगन में खेलें, इसके साए में जीवन के हर सुख दुख को भी जी लें। इसके दर पर ना कोई गरीब ना कोई साहूकार, कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर आकाश मार्ग से ले जा रहे थे तो उस पर्वत के कुछ अवशेष यहाँ गिरे। यही ये सप्त श्रृंग पर्वत है। सप्त याने सात और श्रृंग याने शिखर, इसीलिए इस पर्वत को सप्त श्रृंग कहा जाता है। और यहाँ इस पर्वत पर निवास करने वाली माता रानी को सप्त श्रृंगी कहा जाता है। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी, तुलजापुर की माँ भवानी, माहूरगढ़ की रेणुका देवी और वणी की माँ सप्त श्रृंगी को पूजा जाता है। जिस जगह माँ भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया था वहीं ये शक्ति क्षेत्र है। सात श्रृंग के इस पर्वत पर माँ भगवती यहाँ बैठी है, इसीलिए यह माता रानी को सप्त श्रृंगी माँ कहते हैं। यही क्षेत्र जहाँ माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया, उसके भय से तीनों लोकों को माँ दुर्गा ने मुक्त किया। तब से माँ की मूरत को यहाँ युग युग से पूजे संसार। कहते हैं इस देवी की स्थापना चिरंजीव मार्कंडेय ऋषि ने की थी। अष्टदश भुजा यानी 18 हाथों की इस माँ भगवती की कई कथाएं हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने इस जगह कितने ही राक्षसों का वध करके यहाँ पर स्थित ऋषि मुनियों को उन राक्षसों की पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी। और चिरंजीव मार्कंडे जी की तपोभूमि, प्रभु राम के चरण स्पर्श से पावन है जी यहाँ की जमीन। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र ने कितनों को भय मुक्त किया। अष्टदश भुजा वाले माँ का श्री राम ने यहाँ स्मरण किया। यही पे माँ ने धारण किया वो रुद्र रूप अवतार। सप्तश्रृंग पर्वत के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में हमें शीतकड़ा नामक एक भव्य पर्वत दिखाई देता है। इसी पर्वत को सती का कड़ा भी कहा जाता है। इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। इस गांव की एक स्त्री ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ सप्तश्रृंगी से मनौती मांगी थी और कहा था कि जब उसे पुत्र हो जाए तो उस पुत्र को लेकर वो इस पर्वत से खेलते हुए बैलगाड़ी से नीचे उतरेंगे। माता ने उसकी पुकार सुन ली और उसने भी अपना कहा पूरा किया। सचमुच वो अपने पुत्र को लेकर बैलगाड़ी से खेलते हुए इस विशाल पर्वत से नीचे उतरी, किंतु माता की कृपा से उसे रत्ती भर भी खरोच नहीं आई। तब से इस पर्वत को सतीचा कड़ा कहा जाता है। आज भी इस पर्वत पर बैलगाड़ी के निशान दिखाई देते हैं। ये संभव हो पाया केवल माता रानी के आशीर्वाद से।
ऊंचे पर्वत को माँ का शीत कड़ा कहते हैं। सही से एक माता ने अपनी मनोती पूरी की है, उसके भक्त की नासी माँ थी वो भी तो एक माता थी। सप्तशृंगी माँ जगदम्बा भी खुद संकट में आई थी। एक माँ ने दूजे माँ की सुन ली यही पुकार, ऊंचे पर्वत पर स्थित इस माता के मंदिर में जाने के लिए इस पर्वत को 465 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के शुरुआत में हमें मां भगवती द्वारा काटे हुए महिषासुर नाम के दैत्य के मस्तक का दर्शन होता है। उसके बिल्कुल सामने ही विघ्नहर्ता गणेश जी का मंदिर है। जो श्रद्धालु वृद्ध थे अथवा अन्य किसी विकारों के कारण गढ़ की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन श्रद्धालुओं के लिए मां सप्तशृंगी संस्थान ने डोली का इंतजाम किया है। 3 पड़ाव में पूरी होने वाली इन सीढ़ियों को चढ़कर जब हम पर्वत पर स्थित माता रानी के मंदिर पहुंचते हैं तो सारी थकान मानो मिट सी जाती है। बड़े ही कल्पकता से बनाए गए इस मंदिर के भव्य द्वार देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस मंदिर को 3 द्वार, जिसमें से शक्ति द्वार से यात्रीगण माता के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। इस द्वार से भीतर जाते ही हमें माता की 10 फीट ऊंची भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। कहते कहते चले चलो जी चले चलो, माता रानी की जय बोलो, मैया सप्तशृंगी की जय बोलो। जय माँ अम्बे की धुन पे यहाँ भक्तों के संग माँ भी डोले। धन्य ही उसका जीवन समझो जो माँ के यहाँ चरण चूमे। हर दिन लगता यहाँ पर मेला, मानो हो माँ का त्योहार। अपने सभी हाथों में विविध आयुध लेकर माता का रुद्र रूप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करता है। स्वर्ण के विविध आभूषणों से सजाए गए इस माता के मूर्ति को हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया जाता है तथा हर दिन माता का कुमकुम अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। चैत्र नवरात्रि को यहाँ अधिक महत्व है, क्योंकि इस पर्वत की सबसे ऊंची कड़ा पर ध्वज लगाने की विधि इसी चैत्र नवरात्रि के पूर्णिमा की रात को संपन्न होती है। पुरखों से चले आए इस ध्वजारोहण का मान आज भी दरेगांव के पाटिल को है। इस शिखर पर चढ़ने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है, ना ही कोई ऐसी जगह और ना ही कोई रास्ता। फिर भी हर पूर्णिमा की रात पुराना ध्वज निकालकर नया ध्वज लहराया जाता है, जिसे देखने के लिए कई यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। जो भी तेरे शरण में आए सब सुख यहां से ले जाए, इसीलिए माँ सप्तशृंगी का दूर दूर तक चर्चा है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है, ध्वजारोहण के चमत्कार को जग ये वंदन करता है। चारों तरफ है सप्तशृंगी माता की जय जयकार। माता सप्तशृंगी के इस दर्शन के साथ ही यहाँ हमारी नासिक जिले की यात्रा समाप्त होती है।
श्री क्षेत्र नासिक। ये ईस्वीसन पूर्व काल से धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण भारत के प्रमुख तीर्थों में नासिक जिले का बड़ा ही महत्व है। ऊंचे पर्वत पर बैठी माँ तेरे दरस को आए हैं, पणिगण की माँ सप्त श्रृंग को चोला हरा चढ़ाए रे, चोला हरा चढ़ाए रे। आए तेरे